कैंसर के होने से पहले शरीर देता है ये संकेत। कैंसर की बीमारी अचानक से हमें अपनी चपेट में नहीं लेती है, लेकिन कुछ दिन पहले से ही शरीर कैंसर होने के संकेत देने लगता है, जिनको ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर समय पर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते इसके शुरुआती लक्षण की पहचान और नियमित जांच करानी आवश्यक होती है। कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं, कई मामलों में तो कई लक्षण ही नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मानव शरीर आमतौर पर कुछ चेतावनी देता है जिनको जानना जरूरी है। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि कैंसर होने से पहले हमारा शरीर क्या क्या संकेत देता है। वायरल बुखार, मौसम में परिवर्तन होने से वायरल बुखार होना आम बात है, लेकिन बुखार लंबे समय तक रहता है तो किसी अच्छे डॉक्टर से सूचना लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार अधिक समय तक बुखार रुधिर कैंसर का संकेत होता है। थकान, अधिक मात्रा में काम करने पर थकान होना आम बात है, लेकिन शरीर को आराम मिलने के बाद भी थकान महसूस होती है तो यह कैंसर का लक्षण होता है। ऐसे में आपको पूरी तरह से जांच करानी चाहिए, क्योंकि ऐसे में कैंसर शरीर में विकसित हो जाता है। त्वचा संबंधी समस्या, हार्मोनल संतुलन के संकेत हमारे चेहरे पर दिखाई देते हैं, लेकिन त्वचा पर लाल रंग के धब्बे और बालों में वृद्धि नहीं होती है, यह फेफड़े, गुर्दे या त्वचा कैंसर के लक्षण होते हैं। कफ या पेशाब में ब्लड, अगर खांसते समय या यूरिन के समय ब्लड आ रहा है तो यह गंभीर चिंता का मामला होता है। यूरिन में ब्लड आने के कई कारण हैं, लेकिन यह अनियंत्रित नहीं होना चाहिए। अगर यूरिन में ब्लड आता है तो यह दो बीमारी का संकेत होता है, बवासीर या कैंसर। अचानक वजन का घटना, अगर आपका वजन बिना किसी डाइटिंग या योगा के बिना घट रहा है तो यह कैंसर का संकेत होता है, इसलिए नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और पूरा ध्यान दें। आइए जानते हैं कैंसर के कारण। खराब आहार का सेवन है कर्क रोग का कारण। आहार में खाए गए पदार्थ कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं, उदाहरण के लिए असंतृप्त वसा में भरपूर आहार और मोटापा, बृहदान्त्र, स्तन और संभवतः प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। जो लोग बड़ी मात्रा में शराब पीते हैं उनमें सिर, गर्दन और एनोफेगल कैंसर के विकास के उच्च जोखिम से होते हैं। मसालेदार भोजन या बारबेक्यूड मांस का अधिक सेवन पेट के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। अधिक वजन या मोटापे वाले लोगों को स्तन के कैंसर का अधिक जोखिम रहता है। कैंसर से बचने के उपाय। कैंसर को रोकने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने आपके कैंसर के जोखिम को कम करने के कई तरीकों की पहचान की है, जैसे धूम्रपान बंद करना। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें, और अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू ना करें। धूम्रपान से सिर्फ फेफड़ों का कैंसर ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। ज्यादा धूप में रहने से बचें। सूरज से हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणें त्वचा के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। छाया में रहकर, सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर या सनस्क्रीन लगाने से आप सूर्य के जोखिम को सीमित कर सकते हैं। एक स्वस्थ आहार खाएं, फलों और सब्जियों से समृद्ध आहार चुनें। साबुत अनाज और चर्बी निकले हुए प्रोटीन का चयन करें। सप्ताह के अधिकांश दिन व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने से कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सकता है। व्यायाम करने की कम से कम 30 मिनट की अवधि रखें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन या मोटापे होने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के संयोजन के माध्यम से स्वस्थ वजन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कार्य करें। शराब का सेवन कम करें। शराब का अधिक सेवन भी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है।